गिलगित बल्तिस्तान में SEO एक बहुत अहम काम कर रहा है। वो वहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन, TV सर्विसेज, उसके साथ ही साथ फ्रीलांस सर्विसेज, फ्रीलांस ट्रेनिंग, IT सेंटर्स, इनक्यूबेशन सेंटर्स और साथ ही साथ नौजवानों को रोज़गार के मौके भी फराहम कर रहा है। बिल्कुल, और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक रिपोर्ट है जुलेखा बानो की खरपोचो फोर्ट के बारे में, तो आइए चल के वो देखते हैं। एंड दिस स्पेशल सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय SEO विच इज स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ जुलेखा बानो और आज मैं मौजूद हूँ स्कर्दो के एक कदीम तरीन फोर्ट में जिसको खरपोचो फोर्ट कहते हैं। खरपोचो बल्ती जबान का लफ्ज है जिसके मायने है किलों का बादशाह। इस किले की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताती चलूँ तो ये सन 1490 में तामीर की गई थी और सन 1625 में राजा शेर अली खान अंचन ने अपने दौर में इस किले को मजीद वसअत दी थी। इस किले की स्पेशलिटी ये है कि ये स्कर्दो शहर के टॉप पे वाक़ है जिससे स्कर्दो शहर का पूरा व्यू यहाँ से नज़र आता है। हर साल लाखों की तादाद में सयाह यहाँ सियाहत के लिए आते हैं और इस किले से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। आइए हम इस किले के बारे में मज़ीद जानते हैं यहाँ पर मौजूद निगरान से। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब जी, तो आप हमें ये बताइए ना कि आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं 1991 से इधर आया है खरपोचो में, अभी तक 2023 तक इधर खरपोचो में रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास दिलचस्पी आपकी यहाँ रहने में, आपकी कोई वजह ना की? ये है, ये याददाश्त की चीज़ से उसका महफूज करना मेरे काम। अच्छा जी, हाँ ये महफूज करना मेरे काम है। खरपोचो 90 ने अमेरिका फिल्म बनाने के लिए तो इधर आया था, वो भी बनाया था। 91 आखिर से मैं इधर पहुंच गया तो शहर ख़त्म किया था लोगों ने, दरवाज़ा अच्छा खिड़की तमाम ख़त्म करने के बाद मैं इधर खरपोचो में पहुँच गया। अच्छा, तो फिर आपने दोबारा इन सब को आपने खुद अपने मदद आपके थे ने इन सबको वो किया? लेकिन लोग अच्छे नहीं, खराब करने का कोशिश है। रस्ते ने 60 बल्ब लगाया था सोलर का जी, सारे उठाए। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने कीमती वक्त में से, बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा हो सकता है फिर आए, फिर आपसे इंटरव्यू ले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ही बेहतरीन जगह हैं और मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान जो भी जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी हम यहाँ पर आपको जगहें दिखाते हैं उनको एक्सप्लोर करना एक अलग ही उसका एक चार्म होता है। Yes. उसके इंटरेस्ट बिल्ट हो जाता है जब यहाँ पर हम भी कोई चीज़ देख रहे हैं और वहाँ की जितने भी मुझे लगता है जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, आर्किटेक्चर है, उसमें कोई ना कोई हेरिटेज और कल्चर का एलिमेंट होता है उस जगह से रिलेटेड।